हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2, जिसमें क्या है, जैसे बहुत छोटी संख्याएं हैं या बहुत बड़ी संख्याएं जो दे रखी हैं उनको मानक रूप में लिखना, और जो संख्याएं मानक रूप में दे रखी हैं जैसे दूसरा क्वेश्चन है उनको सामान्य रूप में लिखना। इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम करेंगे बारी बारी से। चार क्वेश्चन टोटल ये, थोड़ा सा शुरू में ध्यान देंगे, बाद में आपको सारे का सारा इजी लगेगा। ये इसमें कुछ नियम तो मानक रूप में बदलने वाले वो, बाकी मुख्य रूप से जब आपको दशमलव की जानकारी है तो एक्सरसाइज आपकी इजी हो जाएगी करने में बिल्कुल, ये दशमलव की अगर जानकारी है तो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या दे रखी है, इनको हमने मानक रूप में व्यक्त करना है। कैसे करना है इनको साथ साथ अभी बता, जो नियम लगेंगे मैं साथ साथ यही बता देता हूँ आपको। जैसे इसको अगर आपको ये डेसिमल खत्म करनी है तो क्या करते होते हैं, देखिए इस 85 को लिखा ऊपर और नीचे जितनी संख्या है इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी एक किस्म से हम इसको क्या करेंगे, एक के आगे क्या कितने जीरो लगा देंगे, 13 जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जीरो लगा दी मैं। एक बार इसी पार्ट में लगाऊंगा जीरो में, उसके बाद इसको सीधा मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, आगे से ऐसे लिखूंगा 85 बटे, अगर एक के आगे 13 जीरो, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्या कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। आगे से इसके बाद में सीधा ये स्टेप लिखूंगा, अभी ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितनी जीरो है वो पावर बन जाएगी उसकी, इस हिसाब से। अब जो आपका मानक रूप में उसमें क्या करना होता है, मानक रूप में जैसे मानक रूप में क्या करेंगे, देखिए ये 85 है, मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, तो यहाँ चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, इसको 85 को 10 से भाग कर देता हूँ और 10 से ही क्या कर दिया, गुणा कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे, एक ही बात है, 85 है, इसको काटेंगे तो। और नीचे क्या बचा हुआ आपका, नीचे हमारा बचा हुआ 10 की घात कितना बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, ठीक है। इसके कारण हुआ क्या, अब ये जो आपका 85/10 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8.5, और ऊपर क्या आपका 10 है ऊपर, और ये 13 ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और ये इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में हम सीख के आए हैं, जब आधार एक जैसे हों तो उनकी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, यानी ये 10 की पावर 1 ही किस्म से, तो 8.5 गुना 10 की पावर -13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा आपका, ये -12 है। तो ये आपका हो गया मानक रूप, यानी मानक रूप में होता क्या है, दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, मानक रूप का नियम ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब करते हैं दूसरे पार्ट को, क्लियर है मेरे ख्याल से, और इसके अंदर देख लेंगे। देखिए 942 को लिखा ऊपर, ठीक है जी, अभी सारे डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं हैं सबको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और मैं सीधा इसको क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 14 कर दूंगा, वरना तो आप इसकी तरह एक के आगे क्या लगा दो, 14 जीरो लगाओ, हम सीधा करेंगे अब इसको ऐसे। अब आगे देखिए क्या करते हैं, ये आपका 942 जो है, मुझे दशमलव कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए 9 के बाद इस जगह पे, अगर यहाँ दशमलव लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको दशमलव की जानकारी, इसको किससे भाग कर दें, 100 से भाग कर दशमलव यहाँ बनेगी, अब 100 से भाग गया तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 100 से, यानी 942 से यूँ कहूँ, और क्या बचा हुआ, ये 10 की पावर 14 और बचा हुआ भाई, ठीक है। अब फिर उसी की तरह इसके अकेले की बात करते हैं, इसकी यहाँ 942/100 जो लिखा हुआ है इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें क्या बन जाएगा, ये 9.42 हो जाएगा, ठीक जी। ऊपर क्या आपकी है, 100 का मतलब क्या है, 10 की घात 2 है इसका मतलब, और ये 10 की पावर 14 था, 10 की पावर 14 और ये 10 की पावर 14 जो है, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 की पावर कितना है 14, 10 की पावर 14 जब ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14 हो जाएगा, पीछे वाले एक्सरसाइज के नियम लगाते हुए। और इसको क्या कर देंगे, अब देखिए 9.42 गुणा 10 की पावर क्या करेंगे हम,
दो को और माइनस 14 को जोड़ें कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12। तो ये आपका क्या हो गया है, मानक रूप हो गया इसका दूसरे भाग का। ठीक है, अब करते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग, तीसरे में देखिए क्या है अभी 602 तो है ये रहा युग का ही। ठीक है, उसके बाद जीरो गिनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी इसको क्या लिख दूँ, 602 गुणे 10 की पावर कितना कर दिया मैंने, 13 कर दिया। ठीक है, अब ये 602 जो है इसके अंदर दशमलव चाहिए मुझे यहाँ 6 और 0 के बीच में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग किया तो 100 से फिर गुणा भी करना पड़ेगा, इन दोनों काटेंगे सिर्फ 602 ही है एक किस्म से। और आगे क्या बचा, उसके आगे बचा है 10 की पावर कितना बचा, 13 बचा है। इसको क्या करेंगे, 602 बटा 100 करोगे क्या बन जाएगा आपका, 6.02 हो जाएगा गुणा 10, 100 का मतलब क्या 10 की घात 2 गुणा 10 की घात कितना है 13। इनको सबको मिलाएंगे तो 6.02 गुणा 10 की घात, आधार एक जैसे हैं शक्तियां जुड़ जाएंगी, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा पार्ट देखिए आप इसका। चौथे पार्ट में फिर ऐसे ही पहले तो क्या लिखो, 837 लिखी ऊपर आप ऐसे लिख दिया जी। अब सभी दशमलव के बाद जितनी डिजिट हैं, जितनी संख्या है उनको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी इसको क्या लिख दूँ मैं, 10 की पावर क्या कर दी, 11 कर दिया। अगले स्टेप में क्या करें, 837 यूं का लिखा, दशमलव कहाँ चाहिए मेरे को, 8 और 3 के बीच में यहाँ। इसके लिए क्या करूँ, 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से गुणा कर दिया, 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। नीचे ये क्या आपका 10 की घात 11 है। ठीक है जी, इसको जब सोल्व करेंगे इस पार्ट को, ये आपका क्या बन जाएगा, 8.37 हो जाएगा। ये दो जीरो हैं, 837 बटा 100 किसके बराबर होगा, 837 बटा 100 को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 8.37 गुणा 100 का मतलब क्या, 10 की घात 2 गुणा ये 10 की 11 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 की शक्ति माइनस 11 हो जाएगा। और आंसर क्या बन जाएगा, 8.37 गुणा 10 की घात 11 और 2 माइनस 11 और 2 को जोड़ेंगे क्या बचे आपका, 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस 9। ये आपका हो गया चौथा पार्ट। पांचवा भाग, इसमें देखिए क्या, 3186 लिखा है ऐसी गुणा, आगे जीरो गिनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी इसको क्या लिख दूँ, 10 की पावर 7 कर दिया इसको। अगले स्टेप में क्या करूँ, 3186 है मुझे दशमलव चाहिए यहाँ 3 और 1 के बीच में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा कर दूँ, भाग कर दूँ और 1000 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। और आगे 10 की घात 7 तो है ही, ये क्या बन जाएगा, 3186 बटा 1000, 3.186। ये इसकी जगह आ गई, इसकी जगह गुना 1000 और क्या कर दें, 10 की घात कितना कर दें, 3, और गुना आगे क्या, 10 की घात कितना है, 7। क्या बन जाएगा ये, 3.186 गुना 10 की घात, 3 और 7 को जोड़ देंगे, 10 की घात कितना हो जाएगा, 10। और इस ढंग से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये किसमें दे रखी है, मानक रूप में दे रखा है, हमको इन्हें किस में बदलना है, सामान्य रूप में, यानी इस तरह की संख्याओं में जो कि पहले में दे रखी थी। पहले में क्या था, सामान्य रूप दे रखा था, मानक रूप में बदला था, इसमें क्या है, सामान्य मानक रूप में दे रखा सामान्य रूप में परिवर्तित करना है। तो चलिए करते हैं पहला भाग इसका। और पहले भाग के अंदर क्या आपका है, 3.02 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसको ऐसे करें, 302 बटा 100 कर दूं, डेसिमल के बाद दो संख्याएं तो बटा 100 हो जाएगा, गुणा 10 की घात कितना है, माइनस 6। और करोगे तो 306 बटा 100 का मतलब क्या, 10 की घात 2 और ऊपर क्या है, गुणा 10 की कितनी है, माइनस 6, 10 की घात कितनी है, माइनस 6। 10 की घात माइनस 6 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, ये 2 तो होगी 10 की घात, नीचे क्या हो जाएगी, 10 की घात क्या हो जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी, प्लस 6। ठीक, इसको क्या कर दें,
306 बटा 10 की घात क्या हो जाएगी, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर इसको आगे करेंगे इसका मतलब क्या है, 306 बटा, सिर्फ एक बार लिखूंगा मैं, 10 की घात 8 का मतलब एक के आगे कितनी जीरो हैं, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर क्या बन जाएगा आपका ये वाली संख्या 306 को यूं का यूं लिखिए, कितनी जीरो थी आपकी, 8। तो नीचे अगर 8 जीरो, इसका मतलब डेसिमल कितने, डेसिमल के बाद कितने अंक होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, फिर डेसिमल, और ये ऐसे आ जाएगा। सिर्फ इसे एक पहले पार्ट में मैंने ये 306 10 की 8 को एक के आगे 8 जीरो लगाई है, आगे मैं सीधा इसको बदल दूंगा, 10 की घात 8 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 8 अंक होने चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अगला, 4.5 गुना 10 की पावर 4, 4.5 को 45 बटा 10 लिखूं, और ये 10 की घात 4 जो है नीचे जाके क्या हो जाएगा, ऊपर 10 की घात 4 ऊपर रहने दे इसको, तो ये क्या आपका, ये तो 10 की घात 4 ऊपर प्लस में रहने दे इसको, गुना 10 की घात कितना आपका 4 है, ठीक है। और फिर आगे क्या करें, ये 45 है गुना 10 की घात 4 है, ये 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इनको सोल्व करूंगा तो 45 गुना 10 की घात 4 और -1 को अगर जोड़ूंगा तो कितना रह जाएगा, 3, और 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000। एक बार इसी में कर देते हैं, गुना में क्या इसका मतलब क्या है, 1000। और इनके अगर गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा ये आंसर, 45000 हो जाएगा ये आंसर मेरा। ये आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में क्या है, 3 गुना 10 की घात -8, 3 तो 3 ही है भी, और ये आपका क्या है, मानक रूप है इस, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 को क्या कर दूं, 3 बटा 10 की घात +8, ऊपर माइनस नीचे जाएगी प्लस हो जाएगा, और 10 की घात 8 का मतलब क्या, 8 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल कितने, डेसिमल के बाद कितने अंक होने चाहिए, 8। तो मैं एक बार 3 लिखूंगा यहाँ पे पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डेसिमल और फिर ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सामान्य रूप हो गया 3 गुणा 10 की शक्ति -8 का। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगले में आपका ये संख्या दे रखी है, इसको क्या लिखें, देखिए इसको पहले इसको लिखता हूँ मैं, 1 3 0 कर दिए, 1 2 3 और फिर 1 है, बटा दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 और 1 4, नीचे करूँगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है वो आपका क्या है, 10 की घात कितना है, 9 है। इसको आगे और करेंगे तो 1 ये 3 0 फिर 1 और गुणा 10 की घात 9 और ये 10 की घात 4 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 की घात 9 में से 4 कितना रह जाएगा, 10 की घात 5 रह जाएगा। और इसका मतलब क्या है भैया, आपका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार यानी 10001 जो आपका ही, इसके आगे 10 की घात 5 का मतलब 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और 5, ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य रूप हो जाएगा। चौथा पार्ट ही, पांचवा भाग देखिए, 5.8, 5.8 को लिखूं मैं 58/10 और गुणा 10 की घात क्या है, 12, बराबर 58 गुणा 10 की घात 12, और ये ऊपर जाएगा, 10 का मतलब 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और इनको करेंगे तो 58 गुणा 10 की घात 12 में से 1 गया कितना रहेगा, 11 रहेगा। और 10 की घात 11 का मतलब क्या है, 58 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने जीरो इसके अंदर लगा देंगे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए छठा भाग, छठे में क्या आपका, इसी संख्या को मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको 3 फिर 61492 बटा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 और 3 5, यानी कि नीचे क्या कर, 10 की घात 5, और ऊपर आप क्या कहें, ऊपर आपका 10 की घात 6 तो है ही ऊपर पहले ही। फिर इसको क्या करें,
361,492 गुणा 10^6 है, पूरी 10^5 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10^-5, और 10^-5 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, 361,492 गुणा 6 में से 5 गया, 1 रह जाएगा सिर्फ 10 रह जाएगा, और बन जाएगा क्या आपका फिर आओ 36,14,920। ये आपका हो जाएगा छठा पार्ट दूसरे न्यूमेरिकल का। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 1 से लेकर 5 तक 5 कथन दे रखे हैं, तो कहते हैं इन कथनों से जो संख्या बन रही है ना, उस संख्या को आपने मानक रूप में लिख के बताना है। कैसे करेंगे देखिए, ये लिखा जैसे पहला मैंने 1 माइक्रोन इतने मीटर के बराबर है, इसको मानक रूप में कैसे करेंगे देखिए, ये आपका 1/ कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 10^6। इसको क्या लिखूं मैं, 1 × 10^-6, और सही ढंग से करूँगा तो क्या लिखूंगा, 1.0 × 10^-6 मीटर। बस इतना ही करना है, क्लियर है। अब दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, अभी इतने सारे ही देखिए, तो ये कायदा ही सैकड़ा की नहीं, दूर सीधा कैसे करेंगे देखिए, इसको 16/3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 0 तो योगी 18 और 2 अंक योगी 18, 2, 20 यानी 10^ क्या हो जाएगा आपका, 20 हो गया, क्लियर है। डेसिमल कहाँ चाहिए मुझे, 1 और 6 के बीच में, उसके लिए मैं क्या कर दूँ, 16/10 और गुणा 10, और नीचे क्या है, 10^20 है। अगर मैं अब इसको डेसिमल बदलना, इसको बदलूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 16/10 क्या बन जाएगा मेरा, 1.6 हो जाएगा, ऊपर क्या है 10 को चाहे 10^1 कह दूँ, गुणा ये 10^20 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगी, 10^-20, और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1.6 × 10^-20 और 1 को जोड़ेंगे क्या रह जाएगा, -19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता रखा, अभी इलेक्ट्रॉन जो आपका परमाणु के अंदर मिलता है उसके ऊपर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम्ब आवेश होता है। तो ये हो आपका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर जीवाणु की माप दे रखी है, जीवाणु की माप, इसको आप क्या कर सकते हो, 5/10 के बाद अंक गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इसको क्या लिखूँ, 10/7। अब डेसिमल तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत है क्यों लगाने की, कैसे कर देंगे इसको देखिए, 5.0 × 10^ ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इसी से ऐसे तो कुछ नहीं करना है, -7। ये आपका हो गया तीसरा भाग। चौथा भाग करते हैं, चौथा, पौधों की कोशिकाओं की माप ये दे रखी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 1275 पहले 1275 लिखा मैंने, ये 10 के बाद अंक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 10^ कितना है, 8। मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, 1 और 2 के बीच में यानी, और उसके बाद 3 अंक बचे हैं, तो इसको कैसे करें देखिए, 1275 को भाग कर दीजिए 1000 से, अब डेसिमल इसके बाद आ जाएगी, 1000 से भाग किया तो गुना भी किससे कर दीजिए, 1000 से कोई नाराज नहीं होगा, और 10^8 तो है ही। अब अगर इसको देखते हैं, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1.275 हो गया गुणा 10^ ये कितनी है, 3 0 ऊपर तो इसका हम 10^3 गुणा ये 10^8 है, ऊपर जा क्या हो जाएगी, 10^-8 हो जाएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये 1.275 गुणा -8 और +3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10^ क्या आ जाएगा, -5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो आपका इसका चौथा भाग, जो है चौथा भाग। अब करते हैं इसका पांचवा भाग, आसान सा है, इसमें क्या लिख देंगे, 7/100 कर देंगे, 7/100
इसको क्या कर देंगे, 7/10 की 2 कर देंगे, और इसको क्या कर सकते हैं फिर 7.0×10^-2। ये आपका जो है हो जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर लिख देंगे साथ। तीसरा क्वेश्चन बाबू, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में क्या है, एक ढेर में 5 किताबें हैं, कुल 5 किताबें भी, जिसमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 20 मिलीमीटर है, एक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर तथा 5 कागज की सीट है उस ढेर के अंदर, 5 किताबें हैं और 5 कागज की सीट है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई किसकी, सीट की कितनी है, 0.016 मिलीमीटर है, इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, पहले प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई, अरे किताब कितनी मोटी दे रखी है भाई, 20 मिलीमीटर मोटी दे रखी है, 20 मिलीमीटर, 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई गुणा कर देंगे बस, 20 को 5 से गुणा कर दीजिए, 20×100 मिलीमीटर। अब प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई, प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई, प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई है 0.016 मिलीमीटर, कागज की 5 सीटों की मोटाई, कागज की 5 सीटों की मोटाई, तो 0.016 को गुणा किससे कर दो, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे 16×5=80 और एक आपकी जीरो ये है, ठीक है, 16×5=0, डेसिमल कितने अंक के बाद, 3 के बाद, तो ये आ जाएगा, ये कितना मिलीमीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो दाएं साइड में जो जीरो है उसको लिखो ना लिखो, जरूरत के हिसाब से होते, यहाँ में इसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर 0.08 मिलीमीटर। अब ढेर की कुल मोटाई पूछी इसने, तो भाई ढेर की कुल मोटाई, ढेर के अंदर जो है 5 किताबें हैं और 5 आपकी क्या सीटें हैं, उनको जोड़ देंगे तो ढेर की कुल मोटाई, 5 किताबों की मोटाई तो क्या है 100 मिलीमीटर, और सीटों की मोटाई क्या है 0.08 मीटर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये 100.08 मिलीमीटर। फिर वही अगर आप इसको मानक रूप में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब मानक रूप में बदलेंगे तो 100.08, इसको मैं 08 किया ऐसे 08, और इसके नाम का क्या कर दिया, बटा कितना कर दिया, 100 कर दिया। मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ, यहाँ लेके आने के लिए 3 रेक क्या है, इस यहाँ लेके आने 3 रेक 4 आ गए अंक जो है, तो इसको मैं ऐसे लिखा, देखिए ये पहले यूं का लिखा, 4 हैं तो क्या कर दिया, 10^4 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया, और 10^4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और नीचे 100 बचा, वैसे 100 को क्या लिख दिया, 10^2 कर दिया। अब क्या बनेगा, देखिए इस पोर्शन का क्या बन जाएगा, इसका इस पोर्शन का क्या हो जाएगा, 1.0008×10^4 है, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10^2 कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मिलीमीटर चल रहा है अभी, और ये बन जाएगा 1.0008×10^ ये 4 है ऊपर जाएगी 10^2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, अभी 4 और 2 का जोड़ करें कितना बचेगा, 2 बचेगा मिलीमीटर। तो ये हो जाएगी डेयरी की आपकी कुल मोटाई। इस ढंग से आपका ये प्रश्नावली 10.2 और चैप्टर 10 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।